जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं, आभार करते हैं, अभिनंदन करते हैं अपने चैनल ट्रेवल विद दिलीप में। आज जो पटना का एक लाइफलाइन कहे जाने वाला जो पुल बना है, जिसको आरओबी कहते हैं, जी हाँ, मीठापुर के पास जो नया वाला जो पुल चालू हुआ है, और उसका आपको हम राइडिंग करके दिखाने वाले हैं और बताएंगे कि वो पुल जो है किस तरह का दिखता है अब नया वाला बन जाने के बाद, और जाम से आप वहाँ से जो है अब आप कैसे निकल सकते हैं। चलिए इस राइडिंग को स्टार्ट करते हैं। उसी आरओबी पुल पे खड़े हैं जिसका उद्घाटन अभी हाल ही में हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने किया था। आप देख सकते हैं कितना शानदार दिख रहा है ये आरओबी। आरओबी का मतलब रेल ओवर ब्रिज। जी हाँ, ये सीधे आप इधर निकल जाएंगे तो जिंदा नगर चले जाएंगे, और ये वाला लेन अभी बंद है। आप देख सकते हैं ये वाला लेन अभी बंद है। ये जो अभी जो मोहली जो आपको जो अभी पुल एक मिलने वाला है वो आकर के यहीं पर मिलेगा, और इधर आप चले जाएंगे पटना जंक्शन के तरफ और बेली रोड के साइड। चलिए थोड़ा राइडिंग करके आपको इसका दिखाते हैं कि ये पुल जो है कैसा है, और काफ़ी ज़बरदस्त है ये पुल। बनने से अब जो है जाम की जो समस्या है वो काफ़ी कम हो जाएगी, मतलब कि जाम अब न के बराबर ही लगेगा। जी हाँ, चलिए थोड़ा राइडिंग करके आपको दिखाते हैं। राइडिंग से पहले आप देख सकते हैं उधर आपको जो है एक झंडा दिख रहा होगा जो कि पटना जंक्शन है, और यहाँ पर पानी टंकी, और ये रास्ता राजिंदर नगर चला जाएगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पावर हाउस जो बनाया गया पुराना वाला वो है, और सामने आपको जो है कृषि भवन दिख रहा होगा, और ये जो अभी रास्ता ये अभी रास्ता बंद है। चलिए अब राइडिंग स्टार्ट करते हैं। तो अपनी राइडिंग स्टार्ट हो चुकी है, और सामने एक बोर्ड दिख रहा होगा मीठापुर, यारपुर और विधानसभा आप जा सकते हैं, और थोड़ा रुकते हैं थोड़ा सा आगे में और नीचे का आपको थोड़ा सा दिखाते हैं कि किस तरह का जाम लगता है नीचे में। तो थोड़ा सा चलिए थोड़ा सा रुक करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं पुल जो है आकर के मिलने वाला है, ये वही पुल मिलने वाला है। जी हाँ, मोहली एलिवेटेड, और इसके नीचे काफ़ी ज़्यादा जाम लगता है, लेकिन अब ये पुल जब से शुरू हो गया तो यहाँ पर जाम जो है काफ़ी कम लगेगा। चलिए थोड़ा और राइडिंग करके आपको दिखाते हैं। और नीचे आप देख सकते हैं, नीचे गया लाइन आपको दिख सकता है, पटना गया जो लाइन है वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। और इस पुल पे थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइबर का एक लगाया गया प्लेट टाइप का, ये नॉइज कैंसलेशन है, जो आसपास के जो घर हैं वहाँ पर लोगों को जो है ट्रैफिक का जो है सामना न करना पड़े, इसके लिए इसको लगाया गया, क्योंकि ये घनी आबादी वाली क्षेत्र से ये पुल को जो है क्रॉस कराया गया है। और यहाँ पर आप स्ट्रीट लाइट देख सकते हैं, इस पुल पर आपको जो है स्ट्रीट लाइट देखने को मिल जाएगा, और यहीं तक ये नॉइज कैंसलेशन है, और आगे आपको रिफ्लेक्टर भी इस पुल पर दिख रहा होगा, लेकिन इस पुल की जो चौड़ाई है वो थोड़ी कम है। हमने आपको बहुत सारा पुल दिखाया लेकिन उससे थोड़ी कम है, और यहाँ पर जो है कोई भी डाइवर्सन नहीं है। तो इस पर इस पुल पे अगर आप चलते हैं तो थोड़ा संभल के चलिएगा, क्योंकि इस पुल पर जो है कहीं पर भी आपको डाइवर्सन देखने को नहीं मिलेगा। और इस पुल से आप सीधा इधर निकलेंगे तो आप बेली रोड के साइड जा सकते हैं, और आप गर्दनी बाग के तरफ भी निकल सकते हैं, और आप जो ये जो आपका जो गया लाइन जो रोड है उसके तरफ भी जा सकते हैं। इसके नीचे से जो सर्विस लेन दिया गया है वहाँ से, तो कहीं ना कहीं जो ये ब्रिज है वो काफ़ी ज़बरदस्त बनाया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये जो सड़कें आप देख सकते हैं, सड़कें भी काफ़ी शानदार हैं। अभी ये ब्रिज का लगभग उद्घाटन हुए एक सप्ताह हुआ होगा, और उसी टाइम में आपका मरीन ड्राइव का भी हुआ था उद्घाटन, जो कि हमने आपको वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कराया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग जो है रॉन्ग साइड में भी आ रहे हैं, तो ऐसा कभी ना करें, कभी भी जो है रॉन्ग साइड में आप जो है ना चलें। और इसके अब दूसरे साइड में फिर से हम राइडिंग करके ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और दूसरे साइड में भी आप देखिए इधर भी आपको जो है रिफ्लेक्टर ये सब दिखाई पड़ रहा होगा, और यहाँ पर मोबाइल का यूज करना मना है। जी हाँ, गाड़ी चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल करना सख्त मना है, तो कभी भी जो है अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आप जो है मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। और रोड पे आप देख सकते हैं ये जो लाइट लगाई गई है ये रात में ब्लिंक करती हैं, और टर्निंग पे हमेशा स्लो चले। दी हाँ, अभी पीछे आपने बोर्ड देखा, टर्निंग पे हमेशा जो है गाड़ियों को जो है स्लो चलाएं। और फिर से मैं वहीं पर पहुँच गया हूँ जहाँ से अभी हमने गया था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉइज कैंसलेशन जो लगाया गया है, आसपास के जो लोग हैं उनको जो है मतलब कि जो है ट्रैफिक का सामना न करना पड़े, इसके लिए इसे लगा दिया गया है। और देख सकते हैं इस पुल का ये डाउन वाला लेन से अभी हम जा रहे हैं, तो काफ़ी ज़बरदस्त ये पुल बन करके तैयार है, मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं बिहार वासियों को एक नया सौगात मिला है आरओबी के रूप में, और हमने आपको मरीन ड्राइव भी दिखाया उसके रूप में। ये कैसा लगा आपको ये नया वाला आरओबी जो फ्लाई ओवर बनाया गया है, हमने आपको राइडिंग करके दिखाया। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, और मिलते हैं आपसे और किसी नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें,
अपने भाई बहनों का ख्याल रखें और अपने ट्रेवल भी दिलीप के साथ ऐसे ही छोटे बड़े ब्लॉग में आते रहें। जय हिंद।